मैं मोहम्मद अयूब मोहम्मद मसूद रहनार जाम मोहल्ला। हमारा विवाद प्लॉट का विवाद चल रहा था, 7 साल से विवाद चल रहा, रजिस्टर खरीदी खत की नून से। तो मैंने आखिरी में ये निर्णय लिया था, ये भ्रष्ट अधिकारी उप विभागीय अधिकारी राम सिंह सोलाने, इसने 1 लाख रुपए मांगा था मेरे से दोनों को, इसलिए मैंने आत्मदहन का तहसील कार्यालय के सामने निर्णय लिया था, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी सरकारी मोजनी और पेपर और सामने वाले के खूटे पेपर के साथ मेरे ऊपर केस चला रहे 7 साल से, इसलिए मैंने निर्णय लिया था। लेकिन सिटी पुलिस स्टेशन के PI प्रताप इंगड़े और हमारे भुसावल शहर के DYSP वाकचूरे साहब ने मेरे को बहुत समझाए 4-5 दिन तक, या यूं ये मत करो बोले, अगर तुम्हारा सही है तो तुम्हारे को न्याय मिलेगा, अपन इसमें बैठकर कोई रास्ता निकालते। ऐसे 4-5 दिन तक के पुलिस विभागों के साथ मेरी बात चली और फिर मेरे को जिलाधिकारी साहब के पास पुलिस डिपार्टमेंट ने लेके गए 30 तारीख को। जिलाधिकारी साहब और अपर जिलाधिकारी साहब और महसूल विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मेरी बैठक हुई। बैठक में उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और ये भ्रष्टाचारियों के आदेश देखे उन्होंने, तो उन्होंने ये देखे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ और अय्यूब जो है वो सच बोल रहा, और सामने वाले के जो पेपर है सारे रद्द हो गए हुए हैं, फिर भी इसके सात साल से उन्होंने देखे कि 7 साल से इसका केस चल रहा, और उन्होंने ये भी कहे कि हमारे अधिकार में नहीं है रजिस्टर खरीदी खत की नून रद्द करना, इसमें जो भी दोषी होंगे उनको उनके ऊपर कार्रवाई होगी और तुम्हारे प्रकरण की चौकसी होगी, और इसमें हमारे से जो भी होगा तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी साहब ने मेरे को बैठक के अंदर उनके साथ चर्चा के अंदर मेरे को ऐसा दिलासा दिए। इसलिए मैंने तहसील कार्यालय के सामने 2 अक्टूबर 2010 2021 को जो आत्मदहन करने का था वो स्थगित करने का निर्णय लिया। अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है कभी और ये मेरे को न्याय नहीं देते हैं या कुछ ऐसा कुछ होता है तो ये पेपर ये क्या बोलते पत्र दिए मेरे को लेखी जिलाधिकारी साहब ने, और ये जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी ऐसा लिखा हुआ है, और तुम्हारे प्रकरण की चौकसी होगी पूरी, कुछ हमारे को टाइम दो, इसलिए क्योंकि ये 7 साल से तुम्हारे पास चला तुम हमारे पास आए नहीं। लेकिन मेरे को माननीय जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि 2018 में निम्बाड़कर साहब और गोरक्ष गाड़गिलकर साहब ने जलगांव से ही ये क्लियर हुआ था, लेकिन ये भ्रष्टाचारी रघुनाथ गावड़े और उप विभागीय राम सिंह सोलाने इन्होंने भ्रष्टाचार की प्रथा को कायम किया और इसकी खोटा अर्ज मंजूर करके मेरे ऊपर 2.5 साल तक, और ये कोरोना वायरस की जो बीमारी लगी थी इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपना पद का दुरुपयोग किया। लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी, कभी माननीय जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी साहब ने भी अगर इसमें ढील छोड़े तो मैं 15 तारीख को माननीय जिलाधिकारी साहब के कार्यालय के सामने फिर से आमरण उपोषण पे बैठूंगा, क्योंकि मेरी रजिस्टर खरीदी खत की नोंद है और ये महसूल विभाग का विभाग नहीं है कि किसी की रजिस्टर खरीदी खत की नोंद रद्द करे, ये सिविल कोर्ट का काम है। और आज तक के ये अरशद खान और अरशद खान की फैमिली ने आज तक के मेरे खरीदी खत को कोर्ट में चैलेंज नहीं किए, और यही सारी चर्चा हुई और 16 जो केस है मैंने माननीय जिलाधिकारी साहब को बोला कि साहब इसमें इसने सरकारी मोजनी शीट को बेकायदेशीर ठहरून मिलेल ऐसा दावा दाखिल कर लेला है, इसके ऊपर एक गुना दाखिल होने को बोला, तो उन्होंने मेरे को
ये आश्वासन दिए कि जो भी इसमें रहेगा दोषी उसके ऊपर मैं गुनाह दाखिल करूंगा। और ये महाराष्ट्र स्टेट का काम वो हो जाता है कि जिम्मेदारी हो जाती है इनके ऊपर कि ऐसे दोषियों के ऊपर गुनाह दाखिल करे। आखिरी निर्णय आपका जो है क्या है? मेरा आखिरी निर्णय यह है कि मेरी नून प्रमाणित होने को होना और ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होने को होना, क्योंकि सामान्य लोग बहुत परेशान हैं इनसे। अभी आपने जो 2 तारीख का निर्णय लिया था उसके अंदर आप वो रद्द करते हो? हाँ, रद्द कर दिया मैंने जिलाधिकारी साहब और अपने उतावल के DYSP साहब के की चर्चा करने के बाद। ओके, बस मेरा इतना ही कहना है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए BK टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।